के दिन कारगिल आना सचमुच मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं कितना कर पाऊंगा, मैं स्वयं असमंजस की स्थिति में हूं, लेकिन यदि मैं बहादुरों के बीच यहां मौजूद हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी हौसला कुछ बढ़ता है और मुझे भी ताकत मिलती है। और आज जब मैं वीर नारियों को सम्मानित कर रहा था तो इस क्षण को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबांज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वह पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सभी वीर सैनिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बलिदान को, उनकी याद को कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। नेशनल वार मेमोरियल हमारी उस कमिटमेंट का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति हमारे लिए किसी भी धार्मिक यज्ञ की अग्नि से यह अधिक पवित्र है। आज भी लाखों लोग उस मेमोरियल को देखने आते हैं और अपनी नम आंखों से स्थूल वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। साथियों, इस युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं, यह काम हमारे स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस युद्ध के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे यहां बात करना चाहूंगा। इस युद्ध की जब शुरुआत हुई तो कुछ समय के बाद हमने पाया कि यूक्रेन की लगभग अधिकांश आर्मी यह तबाह हो चुकी थी और रशियन आर्मी का भी एक बड़ा हिस्सा क्षत विक्षत हो गया था। उसके बाद से लेकर अभी तक यदि युद्ध चल रहा है तो वह इसलिए चल रहा है कि युद्ध में वहां की जनता की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। कहने का अर्थ यह है कि वहां की बड़ी संख्या में जनता ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ रही है। वैसे सामान्यतः तो यही होता है कि सेना जनता की प्रतिनिधि के रूप में लड़ाई करती है। युद्ध में सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती बल्कि कोई भी युद्ध दो राष्ट्रों के बीच होता है और उनकी जनता के बीच होता है। आप देखिए कि किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं तो भाग लेती ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो इस युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं कई सारे पेशों के लोग भी शामिल होते हैं। आप 1965 के युद्ध को ही देख लीजिए, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने अपनी सेना के लिए एक वक्त का उपवास करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि युद्ध सेनाओं के साथ साथ इनडायरेक्ट रूप से जनता भी लड़ती है, लेकिन हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को
इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बलिदान को, उनकी याद को कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। नेशनल वार मेमोरियल हमारी उस कमिटमेंट का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति हमारे लिए किसी भी धार्मिक यज्ञ की अग्नि से यह अधिक पवित्र है। आज भी लाखों लोग उस मेमोरियल को देखने आते हैं और अपनी नम आंखों से स्थूल वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। सिर्फ कारगिल ही नहीं बल्कि आजादी से लेकर आज तक कई बार समय समय पर आप लोगों के शौर्य ने देश का यह मस्तक ऊंचा किया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब इसी प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा पूरी तन्मयता के साथ करते रहेंगे। और इसी के साथ अब आगे कुछ और न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और सभी हमारी यहां पर जो वीर नारियां बैठी हैं उनके सामने शीश झुकाकर, जो यहां अनुपस्थित हैं उनके सामने भी शीश झुकाकर मैं उन्हें नमन करता हूं। और हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उन अनसंग हीरोज के प्रति भी मैं शीश झुकाकर उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। और आज ही मैं आर्मी चीफ कैप्टन जनरल मनोज जी पांडे से मैं कह रहा था कि अनसंग हीरोज के बारे में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उनको भी याद किया जा सके, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया है, हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे ने, कि हम अनसंग हीरोज के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उनकी स्मृतियां भी सदैव ताजी रहें।